अस्सलाम वालेकुम माय ट्यू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। रात के 8 बजे मगर की नमाज पढ़ी है और हम लोग जा रहे हैं बेवरवार, तो अभी हम जा रहे हैं, तो अभी हम अंदर लोग चले। नाराज करिए, ये नाराज है, टेंगे टेंगे तो करो, उधर कर दे, खाओ ना टेंगे टेंगे। वीडियो बन रही है बच्चों, कब तक जाएंगे? तो थोड़ा व्लॉग ना बना लें, तुम लोग मेरा व्लॉग ना बनाने देना, इसलिए मेरे व्लॉग छोटे होते हैं कि ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन तीनों को। अच्छा तो बच्चे खड़े होकर अपने जरा ड्रेस दिखाओ। चॉकलेट लेने किंडर जॉय, ये क्या होता है? और असद ने तो आज जो है ना वो नाइट ड्रेस ही पहना है, सेकंड ईद के चेंज ही नहीं किया। असद चेंज कर लो ना, असद दूसरे दिन उदास हो गया है। अच्छा आ रही है, देखिए मैं क्या करता हूँ। आके उठो ना अबू, मेरी जगह बचाइएगा, मैं कुछ करने वाला हूँ। क्या करने वाले? चला बैठे इस पर। तो ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है और अभी हम लोग जो है ना वो जा रहे हैं। अच्छा तो रिलेटिव्स में ना एक आंटी, उनकी आंखें जो हैं वो लेज़र होके आई हैं, तो हस्बैंड कहते हैं कि उनको पूछने जाना तो उनके लिए एक सूट भी लेके जाना है। तो मैंने कहा फ्रूट लेके चलें या कुछ और खाने पीने के लिए? नहीं, कहते सूट लेके जाना है। तो ईद के सेकंड डे जो है ना वो अब हम लोग जा रहे हैं, एक मार्ट जा रहे हैं, वहाँ से एक ड्रेस पकड़ेंगे और देखते हैं फिर वहाँ से और क्या लिया जाता है। और आज जो है वो हम लोग डिनर भी बाहर करेंगे और फिर वापस आके वो आंटी की तरफ जाएंगे, उनको पूछने जाएंगे उनकी आंखें कैसी बनी हैं। और उसके बाद जो है वो व्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी, आप लोग प्लीज़ देखिएगा कि क्या 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 किया हम लोगों ने। तो रात के जो हैं ये 8 बज चुके हैं जब हम लोग निकले हैं, तो बस लाइट्स वगैरह जो हैं वो अब ऑफ करके हम लोग जा रहे हैं। और ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पे जो सोसाइटी है ना, यहाँ के तकरीबन जितने भी लोग हैं ना मोस्टली वो अपने अपने दूसरे शहरों के हैं। यहाँ पे FFBL यहाँ पे कराची में एक कंपनी उसके हैं सर्वेंट हैं यहाँ पे, तो वो ईद मनाने जो है ना मोस्टली अपने चले जाते हैं, अपने अपने मतलब जहाँ के भी वो हैं, कोई पंजाब से कोई अंदरूनी सिंध से, तो जहाँ भी है। तो ये नबीहा को पता नहीं कौन सी मक्खियाँ लड़ी हैं, इसने ये फ्रॉक पहन के अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गई है। तो इसमें एक अलग सी जो है ना वो करंट आया हुआ है और ये कभी कभी इतनी मस्तियाँ करती है और फिर जो है ना रोकने पे भी नहीं रुकती है। आई थिंक सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और ये जो है वो ईद के सेकंड डे इन्होंने दोनों बहनों ने ना एक जैसे ड्रेसेस पहने थे और बस मैं फिर हम लोग इसको खींच खूँच के लेके गए और ये हम लोग पहुँच के पहले यहाँ इस वाले मार्ट पे पहुँचे और यहाँ पे ना क्या कहते हैं पहुँच के तो काफ़ी रश था यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे से जो है ना हम लोगों ने लिए कुछ सामान घर का जो ख़त्म हुआ हुआ था और कुछ मेहमान ईद पे अभी आने थे टी वगैरह पे, तो ये बच्चे अपनी चीज़ें उठाने लग जाते हैं हर जगह पे। तो चाय वगैरह पे मतलब मेहमानों ने आना था तो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो ये बीहा ने कैमरा पकड़ा हुआ था और वीडियो बना रही थी। और यहाँ से फिर हम लोगों ने थोड़ी सी जो है ना वो ग्रॉसरी की। और हाँ ये मैंने ईद के सेकंड डे जो है ना वो ये वाला सूट पहना था,
तो कैसा लग रहा है ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने नीचे ही से जो है ना वो चीज़ें वगैरह ली जो जो लेना था, और फिर यहाँ पे भी इस मार्ट में भी ना ऊपर क्या था कि ऊपर कपड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन ये है कि कुछ जो है ना वर्कर्स जो है ना वो ईद मनाने गए हुए थे, तो हम लोग ऊपर गए चले जो बच्चों का एरिया था ना वहाँ पर तो थे, और यहाँ पर बच्चों के मैंने सोचा कि बीहा का मुझे कोई समझ आए तो मैं एक दो पकड़ दूँगी, क्योंकि बच्चों के जितने कपड़े कम हो ना उतने ही कम है, मतलब जितने ज़्यादा हों उतने ही कम हैं। तो ऊपर वाले जो है ना जगह पे जहाँ पे बच्चों के ड्रेसेस जो है ना इनके पास बहुत ही अच्छे होते हैं, सारे ब्रांड्स यहाँ पे ना होते हैं, तो ये वाला मुझे बीहा के लिए अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि ईद पर मुझे नज़र नहीं आया वरना मैं ना लेती बीहा के लिए। और क्या ज़माना आ गया कि पूरी जो मार्ट थे ना वो तकरीबन खुले हुए थे, मतलब मैं सोच रही थी कि जो यहाँ के वर्कर्स होते हैं तो वो क्या ईद नहीं मनाते, मैं अपने हस्बैंड को भी ये पूछ रही थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों का ईद वाले दिन भी बस चले तो वो ना हर चीज़ को ओपन करके रखें। तो यहाँ पर मैंने नबीहा के लिए जो है ना वो ड्रेसेस मुझे देखने थे यहाँ पर लेने, तो हम लोग वो अंटी का आए थे अनस्टिच, लेकिन बच्चों के स्टिच जो है ना काफ़ी अच्छे आए हुए थे, तो कुछ मुझे समझ आए तो मैंने सोचा कि जो है ना कुछ ले लेती हूँ और फिर कुछ ईद के बाद ले लूँगी। ईद में भी इनके बहुत सारे बनाए थे जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर किया था, और बच्चों के जो जितने कपड़े होना उतने कम है, खैर मैं भी कम नहीं हूँ, मुझे भी जो है ना कपड़े मैं लेती ही रहती हूँ। तो ये वाला मार्ट जो है ना मार्ट, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है और हर चीज़ जो है ना ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, और बहुत ही बच्चों की वैरायटी तो बहुत ही अच्छी जो है ना हर चीज़ होती है, कॉस्मेटिक्स हो गई, मतलब दुनिया ध्यान की आपको जो जो भी चाहिए हो ना आप इसमें घुस के जो है ना वो ले सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो बच्चों का सिलेक्ट किया, और फिर अम्मा का जो है ना आंटी हैं उनका हम लोगों ने लिया यहाँ से, और कपड़े शपड़े ले के, और फिर छोटी मोटी और चीज़ें भी काफ़ी सारी ले ली, वैसे ली हुई थी लेकिन जब कुछ लेने जाओ ना तो 10 चीज़ें आ ही जाती हैं। यहाँ पे स्टिच वैरायटी भी काफ़ी जो है आपको नज़र आ रही है ना, बड़े बच्चे सबकी बहुत ही अच्छी मिल जाते हैं, मतलब दूर ज़्यादा मुझे नहीं जाना पड़ता, मेरे घर भी हर चीज़ जो है ना वो शुक्र है कि अवेलेबल होती है। अच्छा, तो शॉपिंग वॉपिंग करके ना हम लोग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पहुंच गए मेट्रो पे, और यहाँ पे जो है ना वो आज बहुत रश था और बहुत ही रश था, लेकिन ये है कि यहाँ पे हम लोग आते रहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी हस्बैंड के ना वो जानने वाले हैं मैनेजर वगैरह, तो हमें जगह वगैरह मिल गई, अदरवाइज़ लोगों को ना जगह ही नहीं मिल रही थी। और बच्चों का ये यहाँ पे 2-3 करैक्टर थे, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे ना बच्चों के लिए बहुत कुछ है और बच्चे इंजॉय करते हैं। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, और वैसे तो हस्बैंड जो है ना वो कढ़ाई शढ़ाई लाजमी खाते हैं, लेकिन आज जो रश देख के ना तो जो जल्दी बनने वाला था वो ऑर्डर किया। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे एक जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो शायर तशरीफ लिया है, खुदा ने ये भी किया खूब समा बनाया है, हमारी दोनों छोटी परी आपकी अपनी फैमिली के संग मेट्रो रेस्टोरेंट में इनकी खुशी के मौके पर खाना खाया। उम्र भर रहे दोनों के ऊपर फूलों की बारिश, उम्र भर रहे दोनों के ऊपर फूलों की बारिश, क्योंकि हम सब पर खुदा की रहमत का साया। पापा का नाम एक शेर हमारे रुस्तम साहब की अपने भाभी की आपकी खदमत की, रुस्तम साहब कहते हैं चैन तुमसे करार तुमसे, गलत कह रहे हैं और रुस्तम साहब की जिंदगी में बच्चों बाहर तुमसे है, रुस्तम साहब नहीं हो तो देखे दुनिया मिला को हंसी, अभी जी रुस्तम साहब क्या करें उसे प्यार, ये भी गलत कह रहे हैं। उसके बाद जो है बच्चे वो साथ ही झूले वूले लेते रहे यहाँ पे, अच्छा सा फन लैंड भी बना हुआ है बच्चों के लिए, ये है कि बच्चे भी इंजॉय करते रहते हैं और हम लोग जो है वो खाने का वेट करते रहे।
तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने बस बर्गर्स और टिक्का ऑर्डर किया था, और इनका बर्गर और टिक्का जो है ना बहुत मज़े का होता है, और बहुत ही जो है ना बड़ा सा बर्गर होता है और बहुत ही टेस्टी होता है भाई। टिक्का भी इनका बहुत मज़े का होता है। तो बस फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, और उसके बाद जो है ना घर पहुंच के हम लोग 12 बजे घर पहुंचे, और वो आंटी की तरफ गए दोबारा, और बच्चों को घर पे छोड़ा, और हम लोग बाहर से जो है ना वो उनसे मिल के आए। तो ये मेरा व्लॉग था, कैसा लगा लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।